बारी है एक सैंडविच बनाने की, ग्रिल सैंडविच। भाई जैसे रस्ते में सैंडविच मिलते हैं ना, बड़े टेस्टी होते हैं। वो क्यों टेस्टी होते हैं? इसलिए होते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, मसाले वसाले सब भर के डाले जाते हैं। लेकिन कैसे हेल्दी बना सकते हैं घर में डेली ग्रिल सैंडविच, कैसे बनाएंगे और हेल्दी कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ब्राउन ब्रेड मैं लूँगा, तो ये ब्राउन ब्रेड लेकर इससे सैंडविच बनाएंगे। और इस रेसिपी के लिए प्याज, अगर आप प्याज खाते हैं तो, ये काट लिया। और क्या चाहिए? हाँ, टमाटर। टमाटर के बिना थोड़ी भी मजा आएगा। तो चलिए, टमाटर, टमाटर हो गया। और खीरा, ककड़ी, ये भी ले लेते हैं। लोग कैप्सिकम नहीं डालते, तो एक काम करते हैं, कैप्सिकम डाल के देखते हैं। चलिए, ग्रिल सैंडविच में कैप्सिकम क्या कमाल करता है वो देखते हैं। इसे जरा पतला पतला काट लेते हैं। ये ले लिया। इसमें पनीर डाल सकते हैं, पतला स्लाइस पनीर का, ये हो गया। चलिए, अब ये सैंडविच बनाने के लिए ये हम ले लेते हैं, पनीर, प्याज, उसके साथ साथ खीरा यानी ककड़ी, टमाटर, बहुत ज़रूरी चीज़ कैप्सिकम। और एक काम करता हूँ मैं, इसमें ज़रा नमक, और उसके साथ साथ चाट मसाला, और यदि आप चाहें तो इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं। मर्जी आपकी है कि चीज़ आप डालना चाहते हैं या नहीं, बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। पनीर तो वैसे हमने इसमें डाला ही है, ये चीज़ इसके ऊपर। और इसके साथ साथ इसमें ज़रा चटनी लगाते हैं। देखिए, इस सैंडविच में बिल्कुल भी हमने मक्खन वगैरह कुछ नहीं लगाया है, तो ये जो सैंडविच है ग्रिल सैंडविच है। नॉर्मली क्या होता है, ग्रिल सैंडविच में काफ़ी ज़्यादा मक्खन वगैरह लग जाता है, तो वो सैंडविच जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और इसके साथ साथ इसमें ये केचप भी, ये लीजिए। और अब ये इसके ऊपर, ये लीजिए, और इसे ग्रिल करेंगे हमारे पास जो ग्रिलर है उसमें। और अभी भी कुछ घी, तेल, मक्खन कुछ नहीं, क्योंकि ये काफी बड़ा ग्रिलर है, तो दोनों आ जाएंगे इस पे आराम से। और इसे इस तरह से बस दोनों तरफ से आप इसको पकने दें और थोड़ी ज्यादा देर तक रखें, ताकि अंदर जो सब्जियां हैं वो भी गर्म हो जाए। जी हाँ, टोस्ट होगा बाहर से, अंदर से गर्म होगा, और फिर मजा आएगा इस डेली सैंडविच का। नाम डेली सैंडविच इसलिए क्योंकि इसको आप रोज बना के खा सकते हैं, लेकिन तेल वगैरह कुछ ना लगाएं, मक्खन वगैरह कुछ ना लगाएं, फिर तो खा सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ चाहें तो निकाल सकते हैं, बना के देखिए, टेस्टी डिलिशियस। लेकिन देख लेते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये देखिए, बस इसको इसी तरह से पकने देते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा दबा भी देंगे। ये जो सैंडविच है इसको आप इसी तरह से गर्मा गर्म खा सकते हैं। नहीं तो एक और टिप देता हूँ, इसमें हमने मक्खन वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो ये सॉफ्ट कैसे रहेगा? भाई चटनी जो डाली है उसकी वजह से सॉफ्ट रहेगा। अब इसको इस तरह से बनाने के बाद ये थोड़ा सा क्रिस्प होगा, अच्छी तरह से आप उस समय खा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको ऑफिस ले जाना चाहें या स्कूल में देना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल में इसको रैप करें जब वो गर्म हो, तो उससे क्या होगा कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। जी हाँ, सॉगी नहीं होगा। ये जो सैंडविच है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ में कुछ चटनी कौन सी। वैसे जो हमारे पास ये दोनों चटनी हैं, ये भी इसके साथ में सर्व कर सकते हैं। नहीं तो कोई तीसरी चटनी आप इसके साथ में सर्व करें, इमली की चटनी भी इसके साथ में चल जाएगी। इमली की मीठी चटनी ग्रिल सैंडविच के साथ, कभी नहीं खाई आपने? समोसे के साथ खा सकते हैं, तो इसके साथ क्यों नहीं खा सकते? खा के देखिए, नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। के लिए हमें चाहिए 8 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, 4 स्लाइसेस पनीर के,
एक प्याज गोल टुकड़ में कटी हुई, एक खीरा गोल टुकड़ों में कटा हुआ, दो टमाटर गोल कटे हुए, एक हरी शिमला मिर्च पतली और लंबी कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, चार स्लाइसेस चीज के, चार बड़े चम्मच हरे धनिए और पुदीने की चटनी और चार बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इस सैंडविच को बनाने के लिए चार ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर पनीर, प्याज, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च को लगाएं, ऊपर से नमक और चाट मसाला छिड़कें, फिर इसके ऊपर चीज स्लाइस रखें, बाकी बचे स्लाइसेस के ऊपर हरी चटनी लगाएं, इसके बाद इसके ऊपर टोमेटो केचप लगाएं। अब तैयार सैंडविचेस को कवर करके सुनहरा उन्हें तक ग्रिल करें और काट कर गर्मा गर्म सर्व करें।